Islam, and Islam also teaches you not to raise fingers on anybody else. So this work that I've done is between me and my God, and in the end of the day I'm answerable to my God and not these humans. Hello दोस्तों, आज मेरे सामने एक वीडियो आई है डॉक्टर जाकिर नायक साहब की तरफ से, जो कि इसमें बहुत सारे सवालात किए गए हैं, क्या क्वेश्चन है, कितना टफ क्वेश्चन पूछा गया है और क्या क्या चीज़ें इसके ऊपर उन्होंने कहा है। इस वीडियो को देखने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड तक पूरा देखिएगा। I'm a Muslim, I know my Islam, and Islam also teaches you not to raise fingers on anybody else. So this work that I've done is between me and my God, and in the end of the day I'm answerable to my God and not these humans. But maine bhi Quran Sharif jo hai wo do baar padhi hai full complete. Jab khuda ke paas jayenge, ye Zareen Khan hai, shayad abhi nahi jante honge, Bollywood ki actors hai. Ke aamdani entertainment jaise TV serial ji, मॉडलिंग, एक्टिंग, ये जायज़ है कि नहीं? एंटरटेनमेंट से कमाई जायज़ है? जायज़ एंटरटेनमेंट से कमाई जायज़ है? हराम एंटरटेनमेंट के जरिए जो कमाई है वो हराम है। तो पहला ये देखना चाहिए कि एंटरटेनमेंट हराम है या हलाल है। जो भी आपने कहा, अक्सर जो टीवी सीरियल है जी, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, ये हराम है। कुछ टीवी सीरियल अगर इस्लामिक है और कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है, उसकी कमाई, गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ हलाल या हराम, मींस फॉर हलाल। हलाल या मिसाल के तौर पे पीस टीवी पे कोई सीरियल है, पीस टीवी पे या हमारे बच्चों के एनुअल डे के सीरियल आते हैं, वो बच्चे एक्टिंग कर रहे, लोग को अल्लाह की तरफ लेके आ रहे, वो हलाल है। लेकिन आम तौर पे जो टीवी सीरियल है, आम तौर पे अक्सर टीवी सीरियल हराम है, वो आपको अल्लाह से दूर लेके जाते हैं, उसमें बेहिजाबी होती, जो लोग कपड़े पहने हैं वो कपड़े पहनने के बाद बदन को ज्यादा दिखाते हैं, बेशक बेशक कपड़े सही नहीं होते, इसके अंदर हिजाब नहीं होता, पर्दा नहीं होता। मॉडलिंग, अगर आप ऐसे मॉडलिंग कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे जो खवातीन अगर मॉडलिंग करती है, अपने जिस्म की नुमाइश करती है, वो सब हराम है। मैं सुना था एक वेरी फेमस एड के बारे में, आपने ये गाड़ी BMW के बारे में सुना है? राइट, BMW गाड़ी बहुत फेमस है, खसूस नौजवानों में। मर्सिडीज फेमस है लेकिन नौजवानों में BMW। मुझे एक जन ने कहा था कि BMW की एक एडवर्टीजमेंट थी जिसके आगे, वो BMW गाड़ी के आगे एक खातून खड़ी है, लड़की खड़ी है बिकिनी पहने हुए, और वो एड में लिखा है टेस्ट ड्राइव हर नाउ, हु द गर्ल ऑफ द कार। टेस्ट ड्राइव हर नाउ मतलब आओ इसे चको, किसको, गाड़ी को या लड़की को। तो बिकिनी पहन के लड़की आगे खड़ी है, ये हराम है। तो ऐसे एड के जरिए जिस्म की नुमाइश करना, हम हमारी बीवियां, हम हमारे उससे कमाना, ये तो हराम है ये ना गाइस। तो अक्सर ये फिल्म के अंदर नंगा बना होता है, अगर नंगा बना ना होता है दूसरी कुछ चीज़ बात जो हराम होती है। तो ऐसे फिल्म में एक्टिंग करना, ऐसी मॉडलिंग करना गलत है। लेकिन अगर आप देखते पीस टीवी पे, पीस टीवी पे हमारे मुकर्रिन माशाल्लाह प्रोमो कहते हैं, मॉडलिंग नहीं कहूँगा, लेकिन वो कहते हैं कि ये प्रोग्राम देखो, और वो चलते आ रहे और कुछ हिदायत की बात कहते, ये अलाउड है? तो अगर जो चीज़ एंटरटेनमेंट कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है, हमारे ईश्वर, हमारे खालिक के पैगाम के खिलाफ नहीं, तो जायज़ है। लेकिन अक्सर ये एंटरटेनमेंट जो आप कह रहे हैं एक्टिंग, मॉडलिंग, अक्सर हराम है। तो ऐसी हराम चीज़ के जरिए कमाई भी हराम है, हलाल चीज़ के जरिए हलाल है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। या थैंक यू भाई साहब, आप कुछ मॉडलिंग करना चाहते हैं? आपका सवाल कि क्या वजह थी? द पॉइंट इज माई फ्रेंड शुड आस्क मी दिस क्वेश्चन, बट लाइक ही वॉज ट्राइंग लाइक फ्रॉम द लॉन्ग टाइम बैक, सो ही वॉज अनेबल टू आस्क यू दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू, सो ही पॉइंटेड टू मी, एंड सो दैट आई विल बी। माशाल्लाह, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे प्रॉक्सी। प्रॉक्सी, या प्रॉक्सी। भाई साहब ने कहा कि मेरा मुस्लिम दोस्त चार आता है सवाल पूछने के लिए, उसे इजाजत नहीं दी जा रही थी, जैसा कल कह रहा था एक भाई साहब, भाई हमको ब्रेन हैमरेज हो रहा है, मुसलमान को पूछने नहीं दे रहे, हम मेहमान की खातिर करते करते मुझे ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। तो ये भाई साहब ने हिंदू को पूछा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। राइट, आप प्रोफेसर है या आपने कहा कि आपने मेरी तकरीर सुने या
हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मानते खुदा एक है? देखिए, मैं सभी रिलीजन को मानता हूँ, इवन दैट आई एम इन जैन, तो मैं वो भी मानता हूँ, लाइक ईसाइयों को भी मानता हूँ, मुस्लिम्स को भी मानता हूँ, सभी को मानता हूँ. ऐसा कोई नहीं है, बिकॉज पीपल लाइक वन, गॉड इज वन, राइट? एवरीथिंग इज वन. थिंग इज थिंकिंग. इफ यू थिंक लाइक इन अ राइट वे, एवरीथिंग इज गुड. सो इट इज नॉट लाइक दैट यू रेस्पेक्ट दिस रिलीजन, यू रेस्पेक्ट दैट रिलीजन. एवरी रिलीजन इज गुड. भाई साहब ने कहा कि वो सब धर्म में मानते हैं, सब धर्म को रिस्पेक्ट करना चाहिए, सब धर्म सही है. सब धर्म को रिस्पेक्ट करना मैं भी मानता हूँ, कुरान मजीद में भी लिखा है, सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में. रिस्पेक्ट करना अलग होता है, मानना अलग होता है. मिसाल के तौर पे मेरे प्रोफेसर कोई गलती करता है तो भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये नहीं कि उसे मानना चाहिए. दैट्स व्हाई माय प्रोफेशन इज प्रोफेसर. सो आई कैन नॉट डील विद द आउटर पब्लिक. आई टीच माय स्टूडेंट्स एंड आई लाइक टू इन्वॉल्व इन माय बुक्स एंड माय रिसर्च. दैट्स इट. माशाल्लाह आपने, लेकिन मेरा फॉर्मूला क्या है? Right. मेरा फॉर्मूला ये, जो मैंने आयत शुरू की शुरुआत में, इस सवाल जवाब की शुरुआत में मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी, सूरह इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते तालव इला कलिमतिन सवा इम बैन बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है. सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें. वरा नुश्रिक बिही शैयं, हम आपस में किसी को शरीक ना करें. वला नुश्रिक बिही शैयं वला यत्तखिज़ बअदुन बअदन अरबाबा मिन दुनिल्लाह, और हम आपस में किसी को रब ना बनाएं. फइन तवल्लौ, अगर वो फिर मुड़ जाए, फकुल शदु बेअन्ना मुस्लिमून, तो मैं कम अज़ कम शहादत देता हूँ कि मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूँ और उसकी बात मानता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ. तो यहाँ मैं क्या कहता हूँ, कॉमन फॉर्मूला, मैं कहता हूँ कि कम अज़ कम हर इंसान, कोई भी मज़हब में मानता हूँ, कम अज़ कम ये माने कि एक किताब 100% खुदा की तरफ से. ठीक है, तो हिंदू कहेगा मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए, क्या वेद खुदा का कलाम है. वो क्रिश्चियन कहेगा मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए कि बाइबल खुदा का कलाम है. मुस्लिम कहेगा कि मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए खुदा का कलाम है. बाद में मैं कहता हूँ, हम कम अज़ कम उस बात पे अमल करें जो सारी मजहबी किताबों में यकसा है. तो मैं, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, इस्लाम और तकाबुल मजाहब का मैं तालिब इल्म हूँ. तो रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि सारे मजहब की किताब कहते हैं कि खुदा एक है. मैं हवाला दे चुका हूँ, हिंदू मजहब का हवाला दे सकता हूँ, छंदों के अमृत चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1, स्वेता सदर परिषद चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, स्वेता सदर परिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3, सब में लिखा है भगवान एक है, मूर्ति पूजा गलत है. आप बाइबल पढ़ेंगे, बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4, उसमें लिखा है कि खुदा एक है. कुरान में लिखे है सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1-4 कि कुल वल्लावत, गौ के खुदा एक है. तो मैं कहता हूँ कि जो चीज़ यकसा है, कम अज़ कम उसके ऊपर तो अमल करो. जो इख्तिलाफ है वो कल डिस्कस करेंगे, सही या गलत कल डिस्कस करेंगे. आप प्रोफेसर है, आपको पता है कि जो चीज़ सारी किताबों में यकसा है तो 100% सही होना चाहिए. जो चीज़ में इख्तिलाफ है वो हम कल डिस्कस कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत. तो ये फॉर्मूला जो वेन डायग्राम होता है, प्रोफेसर है ना, वेन डायग्राम मतलब कॉमन, इट बिलोंग्स टू बोथ द सर्कल्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, राइट? माशाल्लाह, आपको अल्लाह ने इतना इल्म दिया है, लेकिन वो एक होता है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिस. फाइन, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, नॉट थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, थ्योरी एक्स एंड प्रैक्टिकल एक्स, थ्योरी वाई एंड प्रैक्टिकल वाई. थ्योरी बोलना आसान है, बहुत से मुकर्ररीन तकरीर करते हैं लेकिन अमल नहीं करते. मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो मैं तकरीर करता हूँ उसके ऊपर अमल कर सकूँ. तो मैं चाहता हूँ क्या खुदा आपको भी वो दे कि जो आप सिखाते हो उसके ऊपर अमल करे. वेन डायग्राम से ये मालूम होता है, हम जब सारी मजहबी किताबों का मुताला करते, अहम मजहब, मेजर मजहब, हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म, इस्लाम, पता चलता है कि मजहब के ठेकेदार क्या सिखाते वो छोड़ो. वी हैव टू गो टू द सोर्स. मजहब के ठेकेदार अपने फायदे के लिए बहुत से गलत चीज सिखाते. व्हाट इज ट्रूथ यू शुड फॉलो. तो व्हेन वी गो टू द सोर्स, सोर्स पे जाते पता चलता खुदा एक है, बुत परस्ती गलत है. आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सारी मजहबी किताब में लिखा है कि शराब गलत है. हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में, इस्लाम में सारी मजहबी किताब में लिखा है वो हराम में. हिंदू मजहबी किताब में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है. तो क्यों ना हम कम अज कम जो चीज यकसा है उसके ऊपर अमल करें. जो चीज इख्तिलाफ है वो कल डिस्कस करेंगे. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वेन डायग्राम, आप प्रोफेसर है, आपको मानना चाहिए जब बोलते ऑल रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं आप,
तो ऑल रिलीजन जो कहता है उसके ऊपर अमल करते हैं क्या नहीं? मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? देखिए मैं बोल चुका हूँ सब चीजें मानता हूँ, लेकिन पहले चीज मैं पांच चीजें आपको बताता हूँ जो मेन है लाइफ में। नमो अरिहंतान मीन्स सभी अरिहंतों को नमस्कार, नमो सिद्धानम सभी साधुओं को नमस्कार, नमो अरियणम सभी अरियणों को नमस्कार, नमो उज्जैनम एंड नमो लोहे सवे सवे सामनम मतलब सभी लोह पुरुष को नमस्कार। तो सभी को नमस्कार करने के बाद आप किसी के बारे में सोचिए सब चीज सही है। भाई साहब आपने कहा नमस्कार 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 नमस्कार, आप नमस्कार का मतलब जानते हैं? राइट, क्या मतलब है नमस्कार का? नमस्कार का मतलब आपकी मॉरल वैल्यूज, यू गिव द रिस्पेक्ट। गिव मी द एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नमस्कार, उसका रूट वर्ड क्या है? आप बात कर रहे संस्कृत, मैं आपसे पूछता हूं इसका मतलब क्या? आपको नहीं पता तो मैं बताऊंगा नमस्कार का मतलब क्या है। What is the literal meaning of the word नमस्कार? आप कह रहे हैं, आप प्रोफेसर है, मैं तालिब इल्म हूं। Right. मैं अपने आप को स्टूडेंट कहता हूं, स्टूडेंट प्रोफेसर से पूछ रहा है, आपने नमस्कार का लफ्ज इस्तेमाल किया, नमस्कार 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 नमस्कार। मैं तालिब इल्म हूं, आपसे पूछता हूं नमस्कार की बानी क्या है? आर्यन से नमस्कार, साधु संत से नमस्कार, नमस्कार की बानी क्या है? कभी कभी होता है कि स्टूडेंट जरा प्रोफेसर से ऊंचा हो जाता है। नहीं पता है तो मैं आपको जवाब दे सकता हूं। बताइए। नमस्कार आता है लफ्ज इदम नममे से, संस्कृत लफ्ज है इदम नममे से, मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, उसका मतलब मैं आपकी इबादत करता हूं। इसीलिए अगर कोई मुझे नमस्कार कहता है तो मैं उसको वापस नमस्कार नहीं बोलता हूं, मैं इबादत करता हूं सिर्फ एक खुदा की। इदम नममे मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं। ये हिंदू फिलॉसफी है, हिंदू फिलॉसफी, लेकिन उनकी किताब के खिलाफ है। वेद, वेद में नहीं लिखा है, वेद में लिखा है एक ही ईश्वर की इबादत करो। ये पैंथियज्म जो है वो क्रीपिंग क्या है, पैंथियज्म मतलब सब कुछ खुदा। अक्सर हिंदू से पूछेंगे कितने खुदा है, कौन कहेगा तीन, कौन कहेगा दस, कौन कहेगा सौ, कौन कहेगा 33 करोड़। एक विद्वान हिंदू से कहेंगे जो अपने मजहबी किताबे के बारे में जानता है वो कहेगा खुदा एक ही है। तो अक्सर हिंदू बिलीव करते फिलॉसफी जिसे कहते हैं पैंथियज्म, पैंथियज्म मतलब एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ खुदा है। हिंदू कहते सब कुछ खुदा है, ये चांद खुदा है, सूरज खुदा है, इंसान खुदा है, पेड़ खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है, चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, पेड़ खुदा का है, सांप खुदा का है। हिंदू से एवरीथिंग इज गॉड, वी मुस्लिम से एवरीथिंग इज गॉड्स, GOD विद एन अपोस्ट्रोफी। सो मेजर फर्क है का, ये का के फर्क को मिटा देंगे तो हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। द डिफरेंस इज द अपोस्ट्रोफी। हिंदू से एवरीथिंग इज गॉड, मुस्लिम से एवरीथिंग इज गॉड्स, GOD विद एन अपोस्ट्रोफी। इफ वी कैन सॉल्व द अपोस्ट्रोफी वी विल बी वन। कैसे करें? गो बैक टू योर स्क्रिप्चर्स, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, कुरान पढ़ो। तो का के फर्क को निकालेंगे तो आप इदम नम में नमस्कार नहीं कहेंगे, खुदा एक ही है। हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र, एकम ब्रह्म देवत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो ये चीज अगर आप जान तो देखा दोस्तों, आपने काफी अच्छे गुफ्तगू डॉक्टर जाकिर साहब ने किए, और सवालात जो थे क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे गए इनसे, और सवाल के मुताबिक जो उन्होंने जवाब दिया है काफ़ी अच्छा दिया है, हर एक चीज़ का रेफरेंस देखकर, कुरान मजीद, बाइबल, क्रिश्चियनिटी का, आपको हिंदुइज्म की जो रामायण, और काफ़ी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। तो और इन्होंने यही चीज़ बताया कि आप सारे धर्म को अगर मानते हो तो सारी चीज़ों को स्टडी करो, इवन कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, रामायण पढ़ो, सारे वेद, जो भी चीज़ें उसके अंदर वर्सेस दिए गए हैं।
सारे का मानने आपको उसमें खुद ही समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है। तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।